जिला बिलासपुर के प्योंगली के कोसरिया में आयोजित एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय मछुआरा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सांसद अनुराग ठाकुर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक झंडूता जेआर कटवाल, भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा और हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता भी मौजूद रहे। प्रदेश में मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 34,50,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। राशि के प्राप्त होने पर प्रदेश के मछुआरों के लिए 5 वर्ष के भीतर 200 से अधिक मकान, 250 के लगभग मछली पकड़ने के लिए किस्तियां और जाल उपलब्ध करवाए जाएंगे। मछली पालन में बढ़ोतरी सुनिश्चित बनाने के लिए इस वर्ष 100% 90 mm का सिल्वर कॉर्प बीज डाला गया है। पहले ये बीज बाहरी राज्यों में मंगवाया जाता था, जो कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं होता था, जिसके कारण अधिकांश बीज नष्ट हो जाता था। लेकिन अब इस बीज को स्थानीय स्तर पर बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मछुआरों को लाभान्वित किया जा सके। प्रदेश में लगभग 160 करोड़ रुपए वार्षिक आय मत्स्य पालन से हो रही है, जिससे कि 300 करोड़ रुपए तक बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए मत्स्य विभाग द्वारा अनेकों योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरित क्रांति, श्वेत व नीली क्रांति के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के अनेकों योजनाओं को चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों, पशुपालकों और गरीबों की आय को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सरकार द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मछुआरों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें मछुआरों के लिए आवास, किस्तियां व जाले का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि गत 3 वर्षों के दौरान जन धन योजना के तहत देश में 33 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसके तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक की राशि व्यवसाय को आरंभ करने के लिए बिना गारंटी के उपलब्ध करवाई जाती है। मैं आपके एक बात तो मैं जरूर कहना चाहता, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद, आप याद करिए पहले भाषण को, उन्होंने कहा था मेरी सरकार महिला की होगी, मजदूर की होगी, नौजवान की होगी, जवान की होगी, किसान की होगी, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी से लेकर गरीब की होगी, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी। अगर देश में हरित क्रांति के साथ साथ सफेद और नीली क्रांति, जिसको ब्लू रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यह नीली क्रांति लाने का भी सपना किसी ने देखा है तो आदमी नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। और ये नीली क्रांति का लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मेरे सामने बैठे मेरे मछुआरा भाई और बहनों को मिलेगा, ताकि आपकी आय भी दुगनी हो जाए। इस संकल्प को पूरा करेगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, और इसके लिए आपको घर बनाकर देने होंगे, नेट देने होंगे, किश्तियां देनी पड़ेंगी और भी कोई सहायता देनी पड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं हटेगी, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं।